and welcome to my YouTube channel Dr. Preeti's Skin Talks. आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि यू आर व्हाट यू ईट। तो जो आप खाते हैं वो आपके बॉडी और स्किन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो स्किन में जो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशंस लगाते हैं वो तो आपके स्किन को अच्छा रखने में मदद करता ही है, बट आपको इंटरनली भी एक इनर ग्लो जो एक चीज रहती है उसको आपको अच्छा रखने के लिए यू हैव टू कंज्यूम गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आपका प्लेट एक वैरायटी ऑफ कलर्स के फूड्स से भरा रहना चाहिए। यू शुड ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि हर एक फ्रूट और वेजिटेबल की अपनी एक खासियत होती है जो आपके स्किन और बॉडी के लिए अच्छी रहती है। तो आज मैं बात करूंगी कुछ उन चीजों की जो आपके स्किन में एक ग्लो जो आप इंटरनली इंटेक कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेस। सबसे पहले हेल्दी फैट्स। अगर आपके बॉडी में हेल्दी फैट्स नहीं रहेंगे सो आपको उसकी वजह से रिंकल्स, सैगिंग और ड्राइनेस ये इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू कंज्यूम हेल्दी फैट्स, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आपको कंज्यूम करना है जो बहुत ही प्लांट बेस्ड सीड्स या नट्स में पाए जाते हैं। सीड्स, नट्स, फिश में आप ये एवोकाडोस इनमें आपको मिलता है। प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एक स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके स्किन स्ट्रक्चर सेल को इंटैक्ट रखने में मदद करता है और ये चीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए आपको ये एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। सो ये रही कुछ चीजें जिसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स ये आपके बालों, स्किन और बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स इन सबको अच्छा रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्रोटीन जब आप इंटेक करते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, वही अमाइनो एसिड्स आगे रीयूज होता है आपकी कोलेजन मतलब जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है और केराटिन जिससे आपके बाल प्लस स्किन भी बनता है। सो उसको वो बनाने में प्रोटीन्स का बहुत ही अहम रोल होता है। सो प्रोटीन इंटेक भी आपके डाइट में बहुत जरूरी है। ये कुछ सोर्सेस जिसमें आपको प्रोटीन्स अच्छे मात्रा में मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी प्ले करता है एंड विटामिन ए ये आउटर मोस्ट लेयर पे जो बाहर के पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन से आपके स्किन को बचाए रखता है, इसलिए विटामिन ए ये आपके स्किन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ये एक काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। देन द मोस्ट जो लोगों को बहुत पता है विटामिन सी। विटामिन सी को आप कोलेजन से रिलेट कर सकते हैं। ये विटामिन सी आपके कोलेजन जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रखने में मदद करती है, जो उसका अगर आप अच्छा प्रॉपर यूज करेंगे तो सैगिंग एंड रिंकल्स भी प्रिवेंट करता है। सो विटामिन सी भी बहुत नेसेसरी है। ये आप भी एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको आपकी स्किन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड पोल्यूटेंट से बचाए रखते हैं। सो ये कुछ चीजें जिसमें आप विटामिन सी पाए जाते हैं। देन आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी काफी लोगों को पता है कि ये स्किन को अच्छा रखने में बहुत मदद करता है। ये आपके स्किन सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज और फ्री रेडिकल से, और इसकी अच्छे इस्तेमाल से आप सनबर्न्स भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जिसमें आप विटामिन ई आप नेचुरली खा सकते हैं।
So vitamin A, C, E, healthy fats, proteins. Now comes zinc. तो zinc ये upper most layer जो minerals होते हैं skin के upper most layer में 5 times ज़्यादा रहते हैं. तो zinc आपको external injuries से बचाता है and wound healing में zinc का बहुत अहम रोल है. Specially zinc आपको cuts, bruises, wound healing इन चीज़ों में बहुत अच्छा हेल्प होता है zinc का. So ये कुछ sources जिसमें आप zinc आप यूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज सेलेनियम. ये भी आपके स्किन को एक स्किन स्ट्रक्चर स्किन सेल स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने में मदद रखता है. तो ये कुछ चीज़ें जिसमें आप सेलेनियम आपको मिल सकता है. तो इन चीज़ों का सेवन कीजिए एंड इसी के वजह से आपकी स्किन और बॉडी काफ़ी अच्छी रहेगी.